जय मसीह की आप सबको। आइए वचन को करते हैं आज शुरू। उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय और उसकी 7 आयत को मैं पढूंगा। इसाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, है मेरे पुत्र, है मेरे पिता। उसने कहा, है मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होमबलि के लिए बकरी कहाँ है? पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष दे और हमसे बात करे और हमारी सारी कमी घटियों को आज परमेश्वर पूरा करे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जा के धन प्रणाम करते हैं। समय दिया है, धन्यवाद देते हैं। दया करके सहायता और मदद करें प्रभु जी। पढ़े गए वचन पे आशीष करें, हमसे बात करें, हमारी कमी घटियों को पूरा करें और आपके नाम महिमा करने के लिए प्रभु जी आप हमारी सहायता और मदद करें। प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देता हूँ, आप ही मुझे संभालेंगे, चलाएंगे करके विश्वास करता हूँ। प्रभु जी वचन के द्वारा बात करें, हमारी कमी घटियों को पूरा करें। मैं भी खड़ा हूँ प्रभु जी, मैं भी अपने बुद्धि और ज्ञान के साथ में प्रभु जी पवित्र आत्मा से भर के प्रभु जी बोल सकूँ। प्रभु जी आप मेरी भी सहायता और मदद करें। आपके हाथों में सौंप देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। उत्पत्ति 22 अध्याय और 1 से लेके 24 तक आज हम ध्यान कर 19 तक आज हम ध्यान करने वाले हैं। मेरे पास समय कम है इसलिए मैंने उसकी एक ही आयत को पढ़ा है। आप 22 अध्याय 1 से लेके 19 तक आप पढ़ सकते हो आपकी बाइबल में। हे भाई और बहनों, बहुत दिनों से हम एक बात के ऊपर ध्यान दे रहे थे, माता पिता के बारे में और बच्चों के बारे में। यानी कि माता पिता, बच्चों, बच्चे जो है माता पिता के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही बच्चों के लिए भी उनके माँ बाप जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर परमेश्वर ने माता पिता को एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट जो दिया है वो है बच्चे, यानी कि गर्भ का जो फल है वो परमेश्वर की ओर से आशीष है माता पिता के लिए। हे भाई और बहनों, माता पिता हर कोई चाहेगा कि मेरा बच्चा जो है बड़ा ही काबिल बने, मेरा बच्चा जो है मेरा नाम रोशन करे। हे भाई और बहनों, कभी कभी ऐसा सोचने से हो जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा सोचने से सिर्फ बातें बन के रह जाती हैं और कुछ नहीं बनता है। हे भाई और बहनों, एक बच्चा है जो अपने माता पिता का सर को जो है ऊंचा कर सकता है, एक बच्चा है जो माता पिता के सर को जो है नीचे भी कर सकता है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहे हैं। हमने पिछले हफ्ते में देखा था अब्राहम ने किस तरह से अपने बच्चे से ज़्यादा नहीं प्यार किया, उसने परमेश्वर से ज़्यादा प्यार किया। बुढ़ापे में सहारा था अब्राहम का इसाक, लेकिन जब परमेश्वर ने कहा इसाक को मुझे दे दे, लेकिन अब्राहम पीछे नहीं हटा। उसने ये नहीं कहा कि परमेश्वर आपने मेरे बुढ़ापे का सहारा मुझसे लेने वाले हो, मैं आपको बलि नहीं दे सकता। लेकिन अब्राहम ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप उसने परमेश्वर की आज्ञा मानी और परमेश्वर की महिमा की और परमेश्वर ने उसे आशीष दी। हे भाई और बहनों, हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है हमारे आज्ञाकारी बने। होना भी चाहिए बच्चों को अपने माता पिता के आज्ञाकारी, क्योंकि ये पहली आज्ञा है जो वचन में लिखी गई है कि अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। मगर माता पिता के आज्ञाकारी बनना है तो हमें किस क्या करना पड़ेगा, माता पिता को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हम देखते हैं कि बेटा इसाक है, वो अब्राहम के साथ, शारा के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश है। और अब्राहम और शारा जो है अपने बच्चे के साथ खुश है, खुशी मना रहे हैं, हर दिन के साथ खुश रह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि अब्राहम ने अपने पुत्र इसाक से कहा होगा रात में, जब परमेश्वर ने उसे होम बलि के लिए पूछा था, तो अब्राहम ने अपने पुत्र से कहा होगा कि सुबह सुबह तड़के तड़के पुत्र उठ जाना, क्योंकि हमें बाहर जाना है परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने के लिए। और बेटे इसाक ने उस बात को माना और पिता की बात को मान के वो सुबह सुबह अपने पिता के लिए उठा। हे भाई और बहनों, और उसके पिता ने इसाक को
अपने साथ लिया और 3 दिन का सफ़र करके वो वहाँ पे पहुँचा जहाँ पे परमेश्वर ने कहा था आने के लिए। हे भाई और बहनों, वहाँ पे जाने के बाद अब्राहम ने अपने पुत्र इसाक के कांधे पे लकड़ियाँ रख दी जो होम बलि चढ़ानी थी, और छुरी और आग को अपने हाथ में लिया, और वो लोग उस पहाड़ के ऊपर चढ़ गए जहाँ पे उन्हें परमेश्वर ने कहा था। हे भाई और बहनों, यहाँ हम देखते हैं कि पिता ने कहा इसाक से, लकड़ियाँ उठा ले पुत्र, और इसाक पुत्र ने उस लकड़ियों को अपने कांधे के ऊपर उठाया और वो अपने पिता की आज्ञा को माना और वो ऊपर चढ़ गया। हे भाई और बहनों, वहाँ पे जाके अब्राहम ने वेदी बनाई, पहले हो सकता है पत्थरों से वेदी बनाई होगी और उसके ऊपर अपने बेटे को और खुद को लेके लकड़ियाँ लगाई होंगी, और लकड़ियाँ लगाते लगाते बेटा इसाक अब्राहम पिता से पूछ रहा है कि पिताजी, लकड़ी, आग और छुरी ये दोनों चीज़ें हमारे पास है, लेकिन होम बलि के लिए बकरी कहाँ है। हे भाई और बहनों, इतना आज्ञाकारी बच्चा था कि उसने अपने पिता की हर एक आज्ञा को माना। हे भाई और बहनों, आप और मैं और हमारे बच्चे कैसे हैं आज, वो आज्ञाकारी है या नहीं है? इसाक के जीवन में इतना आज्ञाकारी वो कैसा था, क्यों वो आज्ञाकारी बना अपने पिता का? हे भाई और बहनों, क्योंकि जाहिर सी बात है, क्योंकि अब्राहम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता था, अब्राहम परमेश्वर की आज्ञा मानता था, अब्राहम परमेश्वर के अधीन था। इसीलिए इसाक उसका बेटा जो अब्राहम को देख के बड़ा हुआ और उसकी उम्र बढ़ी, इससे उसने इसाक ने ये पता लगाया कि मेरा पिता जो है परमेश्वर के अधीन है, परमेश्वर की आज्ञा मानता है, परमेश्वर को पहला स्थान देता है। इसलिए इसाक के अंदर भी वही स्वभाव आया जो कि अब्राहम के अंदर था। हे भाई और बहनों, और अपने पिता की आज्ञा को उसने माना और उसके पिता ने उसे जैसे जैसे कहा था वैसे वैसे इसाक ने किया। हे भाई और बहनों, अब्राहम सोचता होगा कि मेरे पुत्र की आज मैं बलि देने वाला हूँ, बलि चढ़ाने वाला हूँ, लेकिन मेरा पिता, मेरा बेटा कितना भोला है और उसे कुछ शक नहीं हुआ मुझ पे, लेकिन फिर भी वो मुझसे पूछ रहा है कि पिताजी, लकड़ी और आग और छुरी ये दोनों हमारे पास है, लेकिन मेमना कहाँ पे है। हे भाई और बहनों, अब्राहम को जब ये बात पूछी गई होगी और कितना उसे दुख लगा होगा, लेकिन इससे हम ये पता चलता है कि इसाक अपने पिता अब्राहम के आज्ञाकारी था। हे भाई और बहनों, जब बच्चे आज्ञाकारी बनते हैं तो सबसे ज़्यादा खुशी जो है माता पिता को होती है। जब बच्चे कहना मानते हैं तो सबसे ज़्यादा खुश जो है माता पिता होता है। उनकी जो खुशी होती है उसका कोई टिकाना नहीं होता है। हे भाई और बहनों, यहाँ पे हम दो चीज़ें देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि जब अब्राहम को इसाक ने जब पूछा होगा कि पिताजी, लकड़ी और आग और छुरी ये दोनों हमारे पास है, लेकिन मेमना कहाँ है। हे भाई और बहनों, इस बात से उसको पर बहुत ही ज़्यादा अब्राहम को गर्व हुआ होगा और बहुत ही ज़्यादा प्यार भी आया होगा कि मैं अपने बच्चे की बलि देने वाला हूँ, मेरा बच्चा इतना आज्ञाकारी है, मैं इसे क्यों बलि चढ़ाऊँ करके अब्राहम उसे लेके उस पहाड़ से उतर नहीं गया, लेकिन वो परमेश्वर की आज्ञा में बना रहा क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है करके अब्राहम ने विश्वास किया। इसाक ने अपने पिता के ऊपर विश्वास किया कि मैं अपने पिता के साथ जा रहा हूँ, मैं अपने पिता की आज्ञा मान रहा हूँ, मेरे पिता जो कहेंगे मैं वो कहूँगा, मैं वो आज्ञा को मानूंगा। ये थान के इसाक भी वैसे ही वो विश्वास के साथ चल रहा था। हे भाई और बहनों, अब्राहम ने
परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। अब्राहम ने परमेश्वर को ऊंचा उठाया, पहला स्थान दिया और उसके पुत्र इसहाक ने भी अब्राहम की आज्ञा को माना। वो अब्राहम के आज्ञाकारी बना रहा। अब्राहम को उसने पहला स्थान दिया और कहना माना अब्राहम का, क्योंकि अब्राहम परमेश्वर के अधीन था और इसहाक भी अपने पिता के इसलिए अधीन था क्योंकि अब्राहम अपने पिता परमेश्वर के अधीन था। हे भाई और बहनों, आज बच्चे हमारे अधीन नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हम अपने परमेश्वर पिता के अधीन नहीं है। आज परमेश्वर हमारे साथ है और हमें परमेश्वर हमें चला रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम विश्वास में हैं तो हमारे बच्चे भी जो है विश्वास में होंगे। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। हमारे बच्चे जो है, हमारा सर जो है ऊपर उठा सकते हैं, हमारे बच्चे जो है हमें शर्म से नीचे कर सकते हैं। हे भाई और बहनों, बस ये है कि हमारा जीवन कैसा है, हम अपने बच्चों को किस तरह की शिक्षा दे रहे हैं, हमारे बच्चे हमसे क्या सीख रहे हैं, हमारे बच्चे क्या हमसे परमेश्वर की महिमा करना सीख रहे हैं, हमारे बच्चे क्या हमारे अधीन हैं, हमारे बच्चे क्या हमारी आज्ञा मान रहे हैं, हमारे बच्चे क्या हमारे बोलने के अनुसार चल रहे हैं। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, कभी कभी हम बच्चों को जैसे जब कहते हैं ए सुबह सुबह उठना है, स्कूल को जाना है, तो बच्चा आलता है रात में कि ठीक है पापा मैं उठ जाऊंगा, ठीक है मम्मा मैं उठ जाऊंगा, लेकिन सुबह सुबह उसका उठने का दिल ही नहीं बोलता है, नहीं आज मैं नहीं उठूंगा, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा करके रोते हैं, गो करते हैं, फिर माता पिता को अपने बच्चों के ऊपर तरस आता है और छोड़ देते हैं, चल कोई गाल नहीं, कोई बात नहीं, आज छुट्टी कर ले तू। हे भाई और बहनों, जब ऐसा करते हैं तो भाई और बहनों बच्चे को पता चल जाता है अपने माता पिता का वीक पॉइंट, किनका वीक पॉइंट, मैं हूँ, अगर मैं इनको रोऊंगा, अगर कुछ वो करूँगा तो ये लोग मेरे कहना को मान जाएंगे, इसलिए वो हर कोई वो काम करता है बच्चा जिससे कि माता पिता उसके कहना मान जाए। हे भाई और बहनों, आपके बच्चों को आप क्या सिखा रहे हो, आपके बच्चे आपसे क्या सीख रहे हैं। अगर आप परमेश्वर के अधीन हो, अगर आप परमेश्वर की आज्ञा मानते हो, अगर आप परमेश्वर को पहला स्थान देते हो, तो जैसा अब्राहम के बेटे इसहाक ने अब्राहम का कहना माना, अब्राहम ने जो कहा वो कहा वो किया, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी वो करें, तो भाई और बहनों हमें भी अब्राहम के जैसा विश्वास रखना होगा परमेश्वर के ऊपर। हे भाई और बहनों, अब्राहम परमेश्वर के अधीन था, इसीलिए बेटा इसहाक भी अपने पिता के अधीन था। हे भाई और बहनों, यहाँ पे बच्चा था इसहाक, पूछ रहा है अपने पिता से, लकड़ी है, आग है, छुरी है, मगर मेमना कहाँ है। हे भाई और बहनों, बच्चा इतना बोला और इतना विश्वास करता था। आज अगर हम अपने बच्चों को काम बोल दें कि जाके कुछ दुकान से ले आ, तो हमारे बच्चे बोलते मैं नहीं जाता हूँ, आप चले जाओ, या किसी और को भेज दो, छोटे को भेज दो या बड़े को भेज दो, आज कहते हैं। हमारे बच्चे हमें उल्टा जवाब देते हैं, मगर हम अपने बच्चों के सामने कुछ करने ही नहीं पाते हैं। चल ठीक है, नहीं जाना है तो नको जा। अगर हमारे बच्चों को कुछ काम कह दें कि ये थोड़ी सी भारी सामान उठा के ऊपर ले जा, नहीं मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं उठा सकता हूँ इसको, कहते हैं आज हमारे बच्चे अपने माता पिता को और अपने माता पिता से ही वो काम कराते हैं। हे भाई और बहनों, लेकिन एक बार बेटे इसहाक को देखो, अब्राहम ने उसे कहा कि लकड़ी उठा और मेरे साथ पहाड़ पर चढ़। इसहाक लकड़ियाँ उठाया, बली की लकड़ियाँ, सोचो वो कितनी होंगी, इतनी थी या कितनी थी, या सर पे रखा होगा या कांधे पे रखा होगा, और वो पहाड़ के ऊपर चढ़ा अपने पिता की आज्ञा मान के। हे भाई और बहनों, अब्राहम के अधीन था इसहाक, क्यों अधीन था, क्योंकि अब्राहम अपने पिता के अधीन परमेश्वर के अधीन था, इसलिए इसहाक भी अधीन था अब्राहम के।
अगर आप परमेश्वर के अधीन हो तो आपके बच्चे भी आपके अधीन होंगे। अगर आप परमेश्वर को पहला स्थान दोगे तो आपके बच्चे भी आपको पहला स्थान देंगे। अगर आपको आप परमेश्वर को ऊंचा उठाओगे तो आपके बच्चे भी आपको कभी नीचे गिरने नहीं देंगे, वो भी आपको ऊपर उठा के रखेंगे। हे भाई और बहनों, अब्राहम के जीवन में परमेश्वर ने आशीष इसलिए दी थी क्योंकि वो आज्ञाकारी था। वो बच्चों से भी ज़्यादा परमेश्वर की आज्ञा मानता था, परमेश्वर से प्यार करता था, इसलिए अब्राहम के जीवन में आशीष आई। अब्राहम परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि आकाश के तारों को देख, तू क्या तू इन्हें गिन सकता है? अब्राहम ने कहा नहीं। तू रेत के कंगरों को देख, क्या इन्हें गिन सकता है? अब्राहम ने कहा नहीं, मैं इतनी आशीष दूंगा तुझे। हे भाई और बहनों, वचन में लिखा है कि वो अब्राहम का परमेश्वर था, उसके बाद में इसहाक का भी परमेश्वर हुआ। क्यों? क्योंकि वो आज्ञाकारी था। हे भाई और बहनों, क्या आप भी अपने पिता के जैसे आज्ञाकारी हो? क्या आप भी अब्राहम के जैसे आज्ञाकारी हो? आप भी क्या इसहाक के जैसे आज्ञाकारी हो? अगर आप भी अब्राहम और इसहाक के जैसे आज्ञाकारी हो तो जिस तरह से परमेश्वर उनके साथ था कि मैं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर हूँ, तो वो आपका भी परमेश्वर होगा। हे भाई और बहनों, अगर आप परमेश्वर के अधीन हैं, अगर माता पिता, तो बच्चे भी परमेश्वर के अधीन होंगे और फिर माता पिता के भी अधीन होंगे। आप जो कोई भी काम कहोगे अपने बच्चों को, सुबह उठ जाओ तो वो सुबह तड़के उठ जाएंगे, आपकी आज्ञा मानेंगे। अगर आप अपने बच्चों को कोई वजन से चीज दोगे उठाने के लिए, वो भी वो उठा लेंगे। हे भाई और बहनों, ये इसलिए होगा अगर आप परमेश्वर के अधीन रहोगे। थे अब्राहम परमेश्वर के अधीन था, पहला स्थान दिया था, इसलिए उसका बेटा भी उसके अधीन था और हर एक बात अब्राहम की मानता था। हे भाई और बहनों, आज आपके बच्चे और मेरे बच्चे कैसे हैं? क्या वो अधीन हैं आपके? क्या आज्ञाकारी हैं आपके? अगर वो आज्ञाकारी नहीं है तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है, पहले आप आज्ञाकारी बनो परमेश्वर के, तो आपके बच्चे भी आपको देखेंगे तो आपके आज्ञाकारी बनेंगे। जैसा अब्राहम ने आज्ञाकारी बन के आशीष पाई परमेश्वर से, वैसे ही इसहाक ने भी आशीष पाई अपने पिता के अधीन रह के, वैसे ही आप भी आशीष पाओगे अपने पिता के अधीन रह के, परमेश्वर के अधीन रह के आप भी आशीष पाओगे अगर आपके माता पिता के अधीन में रहोगे। परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी, इसहाक को आशीष दी और कहा कि मैं तुझे आकाश के तारे जितने हैं उतनी आशीष दूंगा, कि रेत की कंकर जितने हैं उसे तू गिन सकता है, मैं उतनी आशीष तुम्हें दूंगा। अब्राहम के जीवन में आशीष थी, इसहाक के जीवन में आशीष थी, क्योंकि इसहाक अपने पिता के अधीन था। आज परमेश्वर सारे बच्चों से कह रहा है, क्या आप अपने माता पिता के अधीन हो? अगर आप अपने माता पिता के अधीन हो तो भाई और बहनों, आज ये आशीष आपके लिए है। इसहाक की आशीष जो है आपके लिए है। हे भाई और बहनों, हमारे बच्चे क्या हमारे अधीन हैं? क्या वो दुकान में चले जाते हैं कुछ काम करने के लिए जब हम कहते हैं, छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए? क्या आपके सहायक हैं आपके बच्चे? क्या आपकी मदद करते हैं आपके बच्चे? क्या आपके लिए कुछ दुकान से लाते हैं आपके बच्चे? क्या आपको हॉस्पिटल लेके जाते हैं आपके बच्चे? क्या आपका ख्याल रखते हैं आपके बच्चे? क्या आपको फ़ोन करके पूछते हैं आपके बच्चे? आपके बच्चे कैसे हैं? अगर आपके बच्चे आपको ध्यान नहीं दे रहे हैं, ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो भाई और बहनों, इससे ये पता चलता है कि हम भी अपने पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अधीन नहीं हैं। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के अधीन रहेंगे, आज्ञा मानेंगे, तो हमारे बच्चे भी हमारे अधीन रहेंगे, हमारी आज्ञा मानेंगे। अगर आज हमारे बच्चे हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, तो भाई और बहनों, ये याद रखना कि आप भी अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के कंट्रोल में नहीं थे, इसलिए आपके बच्चे भी आप ही को देख के बढ़ेंगे, आप ही को देख के सीखेंगे, आप ही की आदत उन्हें लगेगी। आप अपने
बच्चों को क्या सिखा रहे हो, आपके बच्चे आपसे क्या सीख रहे हैं, आपकी आदत कहीं आपके बच्चों को तो नहीं लग रही है। अगर आपकी आपकी आदत अच्छी है, परमेश्वर की आज्ञा मानने वाली है, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर आप परमेश्वर के अधीन नहीं हैं, खिलाफ चल रहे हैं, तो भाई और बहनों आपके बच्चे भी देख के वही सीखेंगे। हे भाई और बहनों, इसाक अपने पिता के अधीन था। वो सुबह सुबह तड़के उठा, परमेश्वर अपने पिता अब्राहम के साथ चले गया, उसने लकड़ी उठाई और उस पहाड़ के ऊपर चढ़ गया अपने पिता की आज्ञा के अनुसार। उसके पिता ने कहा वेदी के ऊपर लकड़ी डाल दे, तो उसने लकड़ी डाल दी। हे भाई और बहनों, अब्राहम ने अपने पुत्र को रस्सी से बांधा हाथ और पैर, फिर भी उसने अब्राहम को कुछ नहीं पूछा, चुपचाप रहा, क्योंकि उससे आज्ञाकारी था वो। क्योंकि मेरा पिता है जो मेरे साथ कर रहा है, ये मेरे साथ बुरा नहीं करेगा करके विश्वास किया उसने। क्या आपके अंदर विश्वास है? क्या आपको अपने बच्चों के ऊपर विश्वास है? क्या आप अपने आपको अपने पिता के ऊपर विश्वास है? क्या आपको अपनी माता के ऊपर विश्वास है? नहीं है तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर आपको और मुझको, हम सबको बहुत सारी आशीष दे। परमेश्वर आपको और मुझको इसाक जैसा आज्ञाकारी बच्चा दे। परमेश्वर आपको और मुझको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।